आप जो है मेरी पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं, यह ट्यूटोरियल दूसरा है। वीडियो सब्सक्राइब का ट्यूटोरियल चल रहा है, पार्ट नंबर टू। पहली वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा था एनिमेट सीख लिया था, कितनी देर तक पिक्चर को ड्रॉ करता है एनिमेट वो होता था, और पॉज कितनी देर तक रुकी रहती है पिक्चर, ये पॉज है और ये है ट्रांजिशन, मतलब अगली स्लाइड आने में कितना आपको टाइम दरकार है। उसके लिए आपको यहाँ से टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नीचे ये देखें 3 सेकंड टोटल टाइम, ये भी लिखा हुआ आ रहा है कितने सेकंड चलेगा। अभी जो है 3 सेकंड टोटल टाइम आ गया, पूरी आपकी जो है इसकी पिक्चर का ड्रॉ टाइम है। ये 1 सेकंड इसका हो गया, 1 सेकंड इसका हो गया पॉज रुकने का, और 1 सेकंड ट्रांजेक्शन अगली स्लाइड पर आने का, 3 सेकंड टोटल टाइम हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, अभी प्ले करके देखते हैं इसको किस तरीके से ड्रॉ कर रहा है। ये देखें एक सेकंड इसको रुका है, और उसके बाद इसने दूसरी पिक्चर को ड्रॉ किया है। अभी इसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे ये लिखा है नो ब्रश, इस पर हम ब्रश करके देखते हैं अब ये किस तरीके से दिखाएगा। यहाँ से प्ले करते हैं, देखें अभी इस तरीके से कर रहा है। ये गर्ल वाली पिक्चर को देखना, गर्ल वाली पिक्चर पर हमने वो इफेक्ट डाला था। दोबारा दूसरा ब्रश लगा के देखते हैं इसको, यहाँ से ओके करते हैं। अभी इसको प्ले करके देख, ये देखें कितना बुरा इफेक्ट दिखा रहा है। ये तो खैर इस्तेमाल करने जैसा है ही नहीं, लेकिन बहुत सी जगह जैसे बिजली का झटका या कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी होती हैं तो उसमें ये इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अभी ये इफेक्ट तो बहुत बुरा लग रहा है, और ये इफेक्ट यानी कि यूज़ करना बेकार है। इसलिए हम इसको चेंज करते हैं और ब्रश वाले में आ जाते हैं। यहाँ से ब्रश जो है सिलेक्ट कर लेते हैं अभी, और ये है फुल कलर। ये देखें यह आप पिक्चर का किस तरीके से आप ये आप वहाँ पर आप देखें किस तरीके से चेंज हो रही है। आप अगर ग्रे साइकिल में चाहते हैं, ग्रे साइकिल में अभी आप इसको ग्रे साइकिल में करके इसको ओके करके देखते हैं। ये देखें पिक्चर आपको ग्रे साइकिल में मिलेगी अभी। अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो आप इस तरीके में कर लें, और आप दूसरा कोई ये देखें, अगर आप ब्लैक कलर में चाहते हैं तो ब्लैक में भी आ जाएगा, फुल कलर इस तरीके से आएगा आउटलाइन। ये जैसा आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं यहाँ से। और ये है सॉलिड कलर, एक मिनट पहले यहाँ से हम सॉलिड वो पिक्चर ले लेते हैं, फिर उस पर हमें सही पता चलेगा। ये देखें ये पिक्चर देखें आप हल्की होते जा रही है। जैसे कहीं आपने वाटर मार्क यूज़ करना है तो वहाँ पे आप अपना जैसे लोगो वगैरह लगा कर उसको इस तरीके से वाटर मार्क भी बना सकते हैं, ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब इसको सॉलिड करेंगे तो ये डार्क होते जाएगी पिक्चर। अब आ जाए बात एंगल की तरफ, ये 1 2 3 4 चौथा ऑप्शन है इसका एंगल। अब यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें तस्वीर देखें आप, यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा दूँगा, ये देखें कैसा हो गया। आप इसको यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, ये देखें माउस से पकड़ के भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी रखना जहाँ पे आपको सही लगे, और माउस से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़ीरो है इसको अभी देखें, जैसे चाहे आप इसको आगे पीछे जहाँ पर चाहे जोन सा एंगल आपको सही लगे वहाँ पे ले जाकर आप इसको सेट कर सकते हैं। ज़ीरो करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हो जाएगी, ये देखो स्ट्रेट हो गई यहाँ पर। अच्छा जी यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं, अब चलते हैं मूव इन की तरफ। दूसरा ऑप्शन इसका मूव इन का है। अच्छा जी ये ऑप्शन क्या है मूव इन का, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर पिक्चर आपकी, एक मिनट बताता हूँ, ये देखें ये इस तरीके से आ रही है। आपने हैंड इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे आए ये आए और इधर से हैंड की सिलेक्शन कर लें, आप कौन सा हैंड लेकर आ सकते हैं, पेन लेकर आना है। अभी हमारे पास ये हैंड आ रहा है, अभी हम इसको चेंज करना चाहते हैं, पेन वाला लेके देख लेते हैं। अभी इसको ओके करते हैं, अभी प्ले करते हैं, ये देखो ये पेन से आ गया।
आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें पेन से सिलेक्शन कर रहा है अभी। अभी हमारी एनिमेशन में देखें एक मसला आ रहा है, ये देखें हाथ इतना बड़ा आ रहा है। अभी हम चाहते हैं हैंड ना आए और डायरेक्ट सिर्फ पिक्चर आए, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर और इधर से हैंड लेंगे। अब हम चाहते हैं कोई भी हैंड वगैरह ना आए, तो हम यहाँ से खाली जगह सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से इसको ओके करेंगे, अभी देखें प्ले करके देखते हैं। ये देखें अभी खाली आ रहा है, कोई हैंड वगैरह नहीं आ रहा। एक काम और करते हैं, इस पिक्चर को हटाते हैं ताकि सही तरीके से जो ना समझ में आए कहानी है क्या। यहाँ पर लेके आते हैं इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके यहाँ से पिक्चर फिक्स कर देते हैं। सही है। और अभी जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको सिखाना था कि ये मूव इन का ऑप्शन क्या है। अभी हम इसको अगर यहाँ पे करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ से यूँ आनी चाहिए, यहाँ से इस तरफ से जैसे तीर का निशान जो जा रहा है उस तरफ जानी चाहिए। अभी देखते हैं करके, ये देखें ये पिक्चर यहाँ से यूँ जा रही है इस तरफ, माउस देखे मेरा यूँ जा रही है। अभी हम चाहते हैं ये पिक्चर यहाँ से यूँ आए, उसके लिए हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। दोबारा जाते हैं, इस तस्वीर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मूव इन का जो ऑप्शन है इसको हम चाहते हैं यहाँ से अब इधर लेकर आए। अभी देखते हैं करके, ये देखें अभी यहाँ से यूँ आ रही है। अभी जो है हमारे पास पिक्चर आ रही है इस तरीके से। अभी हम इसमें एक चेंजिंग और करके देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये देखें स्मूथ इन इस पर लिखा है। अभी हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं गो टू फार। अभी हम देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग आएगी। ये देखें हल्का सा एक एक पीछे झटका सा आ रहा है। अभी हम इसको छोड़ के अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम करते हैं बाउंस इन, यानी कि ज़्यादा जो है ज़ोर से झटका लगे। अभी थोड़ा तस्वीर में इफ़ेक्ट अच्छा है। हमने जो है बाउंसिंग भी सीख लिया, ये देखें बाउंस अच्छा लगता है। और मजीद स्मूथिंग भी हो गया, गो टू फार भी हो गया और बाउंसिंग भी हो गया। इधर से आप हैंड की सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जोन से आप पिक्चर पर जो जिस तरीके का आप हैंड लगाना चाहें। देखें आप पेन भी लगा सकते हैं और ये जिस जोन से भी आपको हैंड अच्छा लगे आप ये भी लगा सकते हैं। ये देखें ये देखें, और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा आप उठाएं इधर से चेंज कर लें, हैंड पे आए और इधर से इसको डिलीट करें, फिर दोबारा से हैंड पे आए और इधर से ये सिलेक्ट करें। ये ऑटो पे एक ही इसका हैंड आ रहा है, वो यहाँ से चेंज करके बी वाला करते हैं, पेन लेते हैं, पेन आया। अभी इसको क्लियर करते हैं, ये देखें पेन से आ रहा है, फाउंसिन भी इस पर लगा हुआ है। और एक ऑप्शन और रह गया वो भी बता देता हूँ आपको, ये देखें ये है फिल्टर ड्रॉप शेडो। ये टेक्स्ट के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के उस पर इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे ब्लर करना है यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं, ये आप कंट्रास्ट करनी है कंट्रास्ट यहाँ से, ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनर वगैरह बीवेल ये सारे एंगल चेंज करना है, ब्राइटनेस करनी है, ग्लो करना है, ड्रॉप शेडो कलर वगैरह कलर यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई से भी जोन से भी आपको कलर लेना है, ये सब इस इमेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट वगैरह पे आप जो है बहुत अच्छा अप्लाई होता है। टेक्स्ट का भी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का टेक्स्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर। यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, इसको यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी ले सकते हैं जो भी हम जो हमें अच्छा लगे, कलर चॉइस किया इसके बाद ओके करेंगे। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अभी इस पर हम फिल्टर लगा के देखते हैं यहाँ से, ब्राइटनेस है ग्लो और ब्लर है,
अभी देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। ये देखें यहाँ से ग्लो को मैंने ये ज़्यादा 11, 12, 13, 14 इतना बढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखना क्या चेंज आ रहा है। ये देखें ये जो है थोड़ा देखें आप डार्क भी हो गया और मोटा भी हो गया। चलें जब ये नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे। ये पार्ट टू पूरा हो गया, सब वीडियो सब्सक्राइब का पार्ट टू पूरा हो चुका है। आज हम लोग इसका ट्यूटोरियल नंबर 2 सीख चुके हैं। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अभी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।